हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शाही लज़्ज़त में बताने जा रहे हैं स्टीम नान बटरफ्लाई। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। इंशाल्लाह रहमान आपको नई नई रेसिपीज मिलते रहेंगी। तो सबसे पहले मैंने 2.5 किलो की रान ली हूँ और इसके ऊपर अंदर बड़े बड़े कट्स मार दी। देखो ये अब दिख रहे हैं ना, सब बड़े बड़े कट्स मार दी हूँ। और ये 1/2 किलो गोश्त मेरा अलग से है। ये तो पूरा टोटल में 3 किलो की रेसिपी बना रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे चाहिए 3 किलो रान के लिए 3 टेबल स्पून पपैया, कच्चा पपीता पिसा हुआ। मुझे इसके लिए चाहिए 2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 400 ग्राम्स दही, 3 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हसब ज़रूरत नमक, 4 टीस्पून धनिया पाउडर, 15 से 20 हरी मिर्ची ग्राइंड करी हुई, 3 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर। अब इसमें आपको मिर्ची नमक कितना कम ज़्यादा करना हो आप कर सकते हैं। और 3 टेबल स्पून मुझे लेमन का जूस चाहिए। हम ये पूरी होल नाइट के लिए इसको मसाला लगा कर रखेंगे और कल डिनर के लिए हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम नींबू डालेंगे एक पॉट में, नींबू का 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। ठीक है, सारी चीज़ें हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देख रहे हैं ज़बरदस्त मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसको लेना है और जहाँ जहाँ पर कट मारे वहाँ पर इसको अच्छे से मसाले ले लेकर अंदर से भर देना है। जो मैंने बोली 1/2 kg का पीस है उसको भी हम अच्छे से मसाला लगा देंगे, जो कट्स मारे इसके अंदर ये कर देंगे और इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी मैं। बाहर नहीं रखना है, बिल्कुल भी इसको बाहर नहीं रखना है। ठीक है, इसको फ्रिज में रखना है और जब हमको पकाना है उसके 2 घंटे पहले हमको उसको फ्रिज में से निकाल देना है। सिल्वर फॉइल हम लगाएंगे और इसको कवर कर देंगे। अभी हमने सारी रात रान को मसाला लगाकर फ्रिज में रख दिया। इसमें कितना पानी छूट गया देखिए आपने, मगर अभी हम ये पानी भी नहीं फेंकेंगे। पहले तो मैंने क्या करी हो, यहाँ पर एक बड़ा पॉट रखी हो, इसके अंदर इतना पानी रखी हो, मैं आपको बताती हूँ। देखो इतना सारा पानी रखी हो, इसके ऊपर चलनी रखी हो। अब इसके अंदर मैं रान डालकर स्टीम करूँगी और कम से कम इसको हमको 3 से, जैसी आपकी रान है ये मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आपको 3 घंटे लगेंगे या 4 घंटे लगेंगे। मेरी रान को कितने घंटे लगेंगे मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, ये देखो ये रान में, और थोड़ा अंदर से हम मसाला लगा देंगे जहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि खाली है, मसाला कम है। तो अपने ये बकरे की रान गलने के लिए कम से कम 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ये रख कर जो दूसरा पीस है वो भी इधर साइड में मैं डाल रही हूँ। ये देखो टाइट करके बंद कर देते हैं और इसको इससे भी बंद कर दी मैंने और इसको कवर भी कर दूंगी। अभी ये अभी तो हाई फ्लेम पे है, कम से कम ये 15 मिनट हाई फ्लेम, यानी 15 मिनट से 20 मिनट तक हाई फ्लेम पे रहेंगी। और उसके बाद जब पानी में जोश आ जाएगा, जब भी आपके पानी में जोश आ जाता है, उबाल आ जाता है, उसके बाद इस फ्लेम को लो कर देना हमको। ये रखो, अभी हम देखते 2 घंटे हो चुके, देखो हमारी रान वो तरफ से अच्छी गल चुकी होंगी। अब इधर से तो बाकी है लेकिन वो तरफ से अच्छे से गल चुकी होंगी। अभी इसको हम टर्न करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे से इसको इस तरफ से तो एकदम गल चुकी होंगी। ये देखो इसको आपको मैं तोड़ के बताती हूँ। देखो कितनी सॉफ्ट हो गई, देखें कितनी अच्छे से टेंडर हो चुकी है। ये देखो मस्त मज़े की लग रही है, एकदम गल चुकी है। अब इसको दूसरी तरफ से हम यहाँ मसाला लगाएंगे और इसको वो साइड से भी 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे गलने के लिए। अब देख रहे हैं, ये देखो, और इसको ऐसा, और मैंने 2.5 घंटे के लिए रख दी थी। अभी हम आपके सामने खोल रहे हैं, अभी हम देखते हैं इसका क्या हाल है। ओहो, आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त गल चुकी है
ये देखो कितना अच्छे से। इसके साथ जो हम राइस बना रहे हैं, एक किलो बासमती राइस ली हूँ। एक किलो बासमती राइस के लिए अभी मैं इसको धोकर भिगो दूँगी। मुझे 200 ग्राम अमूल बटर चाहिए, हसबे ज़रूरत नमक चाहिए, मैंने 6 टेबलस्पून गार्लिक ली हूँ और 8 टमाटे पीस के ली हूँ। मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाली थी और उसमें बटर छोड़ दी। अब इसके अंदर सबसे पहले लहसुन डाल देंगे, ठीक है, और गार्लिक को थोड़ा गोल्डन होने देंगे, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। देखो इसका कलर थोड़ा हल्का सा चेंज हो गया गार्लिक का, क्योंकि गार्लिक का कलर ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका वही टेस्ट बहुत अच्छा आता है राइस में। अभी हम ये टमाटर जो पीसे वो डाल देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे, थोड़ा अच्छा इसको भुनने देंगे। और इसमें जो नमक है हम नमक भी डाल देंगे, मैंने अंदाजे से नमक रखी हूँ, बाद में और टेस्ट करूँगी और आगे आपको बता दें। देखो टमाटर का जूस इतना सारा सूख चुका है, अंदर से गार्लिक भी दिख रहा है। बस अभी इस स्टेज पे हम राइस डाल देंगे, ठीक है। राइस को मैंने अच्छे धोकर छान ली और इसको 2 मिनट टमाटो के साथ भुनेंगे हम ये राइस को। और जो हमने रान बॉईल करे, स्टीम करे, नीचे पानी रखे, वो पानी अब हम इसके अंदर डालें। जो हमने रान स्टीम करे उसके नीचे जो रखे थे पानी, वो पानी, ठीक है, वही पानी हम इसके अंदर अंदाजे से डालेंगे। मैंने अंदाजे से निकाल के रख दी थी, ये देखो। अभी चावल हमने पकने रख दिए, अभी आपको एक चटनी या डिप बोलते इसके साथ जो खाते वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो मैंने, क्योंकि 1 किलो राइस है और 3 किलो हमारी रान और वो मटन का पीस है, तो मुझे डिप भी ज़्यादा, चटनी ज़्यादा बड़ी चाहिए। मैंने 6 बड़े बड़े टमाटो ली हूँ, उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून हरा धनिया ली हूँ, 3 नींबू का जूस ली हूँ, 1 अक्खी कली लहसुन की ली हूँ यानी अक्खी पॉड, और हसबे ज़रूरत नमक ली हूँ। ये सब मिलाकर मैं इसको ग्राइंड करती हूँ और आपको आगे बताती हूँ। देखो यहाँ पर भी हमने अभी ट्राई कर, यहाँ पर मैंने राइस को दमते दे दी हूँ, अच्छा वज़न ऊपर रखकर मेरे राइस रेडी हो गए। यहाँ पर मैं रान फ्राई कर रही हूँ, ठीक है, बटर में। ये देखो रान हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। पहले थोड़ा बचा हुआ मसाला हमारे पास था, तो मैंने आप लोगों को बोली थी कि मेरे पास मसाला बचा हुआ है, पहले वो मसाला हम इसमें डाल देंगे ताकि ये मसाला भी वेस्ट नहीं हो। और इसके अंदर हम रान छोड़ देंगे, ये। और दूसरा जो पीस है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, जो हमने 1/2 kg का डाले थे। पूरी मैंने अपनी कढ़ाई में डाल चुकी हूँ, और ये जो मसाला है वो भी हम यहाँ साइड से छोड़ रहे हैं। और फ्लेम हम एकदम हाई रखेंगे, क्योंकि हमारी रान एकदम अच्छे से गल चुकी है, सिर्फ हमको इसको थोड़ा बटर में फ्राई करना है। हमने स्टीम में इसको अच्छे से गला चुके, ठीक है, ये हो गया। देखो हमारा टमाटो की चटनी या डिप बोलो वो भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर इतना ज़्यादा बन चुका है, यहाँ राइस दम हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने रान को फ्राई करने के लिए रखी हूँ। अभी ये रान ज़्यादा नहीं, मुझे 10 मिनट से 15 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने के लिए। ये फ्राई होते ही मैं आप लोगों को डिश आउट करके बताऊँगी। ये देखो, देखिए हम मैंने 2 बार इसको पलटा दी हूँ, मसाला भी कितने अच्छे से भुना गया है इसके अंदर। मेरी रान रेडी हो चुकी है, एकदम टेंडर है मेरी रान, मीन्स जो हमने रान पकाया वो एकदम टेंडर हो चुकी है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, पहले फ्लेम को एकदम लो कर देते हैं, इसको थोड़ा पकने देते हैं जब तक राइस निकालते हैं। ये देखो, देखिए राइस हमारे कितने अच्छे बने, ये देखो एक एक दाना छुट्टा बन चुका है, ये देखो। अब देख रहे टमाटे वाले राइस कितने अच्छे बन चुके, ये देखो एक एक। अभी हम इसको निकाल के आपको बताते हैं, बिस्मिल्लाह। ये अब देखो, देखें एक एक दाना इसका एकदम छुट्टा हो चुका है, ये देखो। अब देखें कितनी मज़े के राइस लग रहे हैं। आप लोग ज़रूर बनाना अभी बकरा ईद आ रही है, ख़ास इसीलिए मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। ये देखो, ये देखो,
अब इसके अंदर साइड में हमने सैलेड रख दिए। अभी ये देखिए हमारी रान, वाह क्या ज़बरदस्त रान रेडी हो चुकी है अब देखो। और इसके अंदर अभी हम थोड़ा थोड़ा मसाला लगा देंगे, हो गया। अब इसको हम ऐसे ही सर्व करेंगे। आप लोग भी ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अल्लाह हाफिज़।